हेलो फ्रेंड्स, आपका एनएच क्लासेस में स्वागत है। आज आपके लिए मैं मैथ्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आप इसको देखना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि उनको भी ग्रुप डी एस एस जी डी एन में फ़ायदा हो सके। तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन क्या दे रखे हैं। दे रखे हैं पानी को 12 रुपये प्रति किलोग्राम के दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य कितना हो जाए 8 रुपये प्रति। तो औसत मूल्य तो मतलब इसमें कौन सा लगेगा, अपना वो लगता है ना, ये वाला मेथड इसमें काम आ जाएगा। ठीक, तो बहुत सिंपल मेथड होता है। तो पानी को क्या मान लेंगे, जीरो, क्योंकि पानी कोई रेट नहीं होती, तो उसको जीरो मान लिया। दूध को 12 दे रखा है, 12 रुपये दे रखा है इसने प्रति किलो, और औसत कितना है 8, इसको यहाँ लिख लेते हैं अपन। फिर इनमें से एक छोटा एक बड़ा होता है, तो उनको घटा लेंगे, तो 12 में से 8 गए तो कितने आ गए, 4 आ गए। ठीक, और 8 में से 0 गया तो कितने आ गए, 8 आ गए। इनका अनुपात कैसे निकालेंगे, इसको 4 से काट देंगे, तो एक बार कटेगा, इसको 4 से काटा 2 बार, तो एक अनुपात 2 आ गया। तो आपसे पूछा था, अपन से पूछा था इनका अनुपात तो किस अनुपात में होगा, तो 1:2 में होगा। तो आपका आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यापारी के पास 1000 किग्रो चीनी थी, तो उसका कुछ भाग उसने 8% में और 18% लाभ में बेच दिया। यदि सारी चीनी पर 14% लाभ हो तो 8% लाभ उस पर उसने कितनी चीनी बेची, तो ये बताना है। ये भी दी है। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई। इसी विधि से बताता हूँ मैं आपको। तो फर्स्ट में क्या है, 8% लिख लिया, फिर 18 लिख लिया, औसत कितना है 14, ये दे रखा हो औसत और कम ज़्यादा मूल्य दे रखा हो, तो अपन को यही विधि लगानी है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, 18 में से 4 गए तो 14 गए तो 4 आ गया। ठीक, और 14 में से 8 गए तो 6 आ गए, इनका अनुपात कितना आ जाएगा, इसको 2 से काट दिया, इसको 3, तो ये कितनी चीनी बेची गई, अपन को तो ये बताना है कितनी चीनी बेची गई। ठीक, तो क्या करेंगे, 1000 लिखेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, क्योंकि ये वाला पूछा है अपन से कौन सा, 8% वाला, तो 8% वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाय 5, तो 5 से इसको काटा तो कितनी बार कटा, 200 बार, और 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 400। यदि अपन से पूछते 18% के लिए, तो इसमें क्या कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर देते और 5 का डिवाइड कर देते, कितने आ जाता, 600 आ जाता। ठीक, तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो ऐसे हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए तथा बी मिलकर किसी को कार्य कितने के 8 दिन में, तो मैंने लिख लिया 8 दिन में काम करते हैं, समाप्त कर सकते हैं। यदि जबकि बी और सी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, तो मैंने लिख दिया 12 दिन में। तो तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में, ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करें, 6 दिन में, तो इनका एलसीएम कितना है, 12 8 6 24 एलसीएम आ गया। तो ये अपन क्या एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 8 दिया 24, 12 दुनी 24 और 6 चौको 24, तो ऐसे निकल गया। अब क्या करेंगे, अब क्या पूछ के ये क्वेश्चन कह रहे हैं, ए और सी मिल गए, ए और सी की वैल्यू बतानी है अपन को। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे निकाल लेंगे ए और बी को इसमें से, ए बी और सी को इसमें से घटा लेंगे तो कितना आ गया, क्या जाएगा, ए बच जाएगा केवल। ठीक, तो इसमें कितना, 2 गए, बी और सी गया मतलब एक ही बची एफिशिएंसी, तो कितनी बच जाएगी, 2, ये 2 को इसमें से माइनस कर लेंगे 4 में, तो कितना आ गया, 2 एक ही एफिशिएंसी आ गई 2। ठीक, फिर ए प्लस बी को, ए बी को घटा लेंगे तो इसमें से क्या बचेगा, सी बचेगा, तो सी की कितनी आ जाएगी, 3 है, तो 3 4 में से 3 गए थे 1, ये आ गया। फिर क्या करेंगे, एक ही आ गई तो यहाँ रख देंगे इसमें एक ही, तो कितना बचेगा, 2 होते हैं एक ही, तो ए बी की कितनी बचेगी, 1, तो 1 आ गई। अपन से क्या पूछा है, ए और सी, तो मतलब इनकी कितनी हो गई, 3, टोटल काम था 24, और क्या है, ए और सी की पूछी, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 1 3, तो 3 का डिवाइड कर दिया तो 8 आ गया, तो अपना राइट आंसर आ गया 8, तो ऐसे कर लेंगे अपन। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या देगा, राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण अंक से कितने थे, 20 कम थे, तो क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देते हैं,
25 प्लस 20 ऐसे किसी लिख देते हैं, फिर उसी परीक्षा मतलब उसी मतलब बराबर में 35% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंक से 18% क्या थे अधिक थे, मतलब अधिक तो माइनस कर देंगे कम करने के लिए, उसको बराबर मिलाने के लिए उत्तीर्ण करने के लिए, बताओ परीक्षा पूर्णांक क्या था। ठीक, बराबर कर दे रेशियो, मतलब 20 बढ़ा दिए और 20 18 कम कर दिए, मतलब रेशियो पास होने का आ गया दोनों का। ठीक, क्या करेंगे 35 को इधर लेके आ गए तो कितना बच जाएगा 10% आ गए, और 20 को मतलब 25 को इधर ले गए, सॉरी 25 को इधर ले गए तो 10 बच गए, 18 को इधर लेके आ गए 38 आ गए। यहाँ 100 का रेशियो निकालना है अपन को, 10 का तो नहीं होता, 100 का ही निकालते अपन रेशियो, तो क्या हो जाएगा इस 100 तो ऐसे लिख ही रखा है, तो यहाँ क्या करेंगे 38 × 100 बटा ये 10 था यहाँ, इसको क्या करेंगे नीचे भेज देंगे, फिर 0 से 0 कट गया तो कितने आ गए 380। तो ऐसे हम कर रखा है ऐसे, या फिर ऐसे कर लो या x मान लो ये 100 की लिख दो, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, इससे ऐसे कर लो तो आ जाएगा, तो 10x बराबर कितना आ जाएगा 3800। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, या ऐसे कर लो, दोनों में से कौन सी विधि आपको समझ में आए, तो दोनों से कौन सी चीज कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक दे रखा है आर तथा एक एस एक दूसरे की ओर प्राप्त 10 बजे क्रमशः 3 किमी 1 किमी 3 किमी प्रति घंटा तथा 4 किमी प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते, तो आरंभ में उनके बीच की दूरी 17.5 किमी है, तो कितने बजे मिलेगी, तो ये बताना है। 2006 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो क्या है आर है और एस है, दो आदमी मान लो कुछ भी हो, 10 बजे दोनों स्टार्ट हुई थी, टाइम दोनों का सेम है, डिस्टेंस 17.5 किलोमीटर है, तो इसमें क्या रखा है 3 किलोमीटर से चल रही है आर वाली और एस वाली 4 किलोमीटर में। अब इनमें क्या करेंगे, डिस्टेंस क्या होगी, ऐड होती है डिस्टेंस, तो अपने को सबको पता है डिस्टेंस ये की दे रखी इसमें कोई सेम है, और इनकी स्पीड मतलब ये इधर से आ रही है और ये इधर से आ रही है, मतलब आमने सामने है एक दूसरे की, तो क्या करिए स्पीड इसकी जुड़ जाएगी, तो टाइम निकाल लेंगे, टाइम कितना आ जाएगा यहाँ इसमें वैल्यू रख देते हैं, डिस्टेंस कितनी है 17.5, ठीक, और स्पीड क्या हो जाएगी 4 और 3 4 + 3 तो कितनी हो गई = 7, और इस पॉइंट को हटा देते हैं, पहले रहने दो नहीं हटा दे अभी आपको समझ में नहीं आएगा एक दो, तो यहाँ क्या करें पॉइंट को हटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 175/70, ठीक, इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इनको काट दें 5 से काटा तो ये कितना आ गया 1, यहाँ कितना आ गया सॉरी यहाँ कितना आ जाएगा 4, इसको काटा तो ये 3 बार और ये 5 बार, 14 से इसको काटेंगे तो कितनी बार 2 बार कट गया, फिर कितना बच गया 6, तो 1/2, ठीक 2 से 1/2 आंसर ए आ गया इसका, इतने आएगा घंटे, ठीक टाइम आ गया। तो इसमें क्या करेंगे 10 बजे स्टार्ट हुई थी, तो 10 में अपन क्या कर देंगे 2 से 1/2 घंटा जोड़ ऐड कर देंगे, तो 10 में क्या कह रहे हैं 1/2 2 से 1/2 ये ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 से 1/2 मतलब 12:30 में क्या होगी ये मिलेगी। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, तो अगले वीडियो क्वेश्चन वीडियो मिलते हैं अपन, जब तक टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।